गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज का व्लॉग मैंने शुरू किया है दोपहर से और मैंने पूरे घर को पोछा लगा दिया है तो अच्छे से चमक रहा है। आज हमने मंगाई है शक्कर, यहीं पर रखी है। शक्कर ख़त्म हो गई थी तो ये मंगाई है और किचन में गीला हो रहा था इसलिए इसको यहाँ रख दिया हमने। और देखिए बहुत ज़्यादा कोहरा था और धूप भी बहुत ही हल्की हल्की सी निकली है। तो ये देखिए अभी तक मैंने पोछा लगाया था वो भी नहीं सूखा है। और आज बहुत सारे कपड़े भी धोए हैं मैंने। ये साड़ी पहनी थी इसको भी मैंने इजी में धोकर सुखा दिया है और अभी यहाँ पर तो सूख गया है पर इसके जो नीचे नीचे है फर्श वो सारा गीला पड़ा हुआ है। और किचन में भी बहुत देर हो गई, जब पोछा लगाया था क्लीन किया था तब से ऐसे गीला पड़ा हुआ है। इधर पता नहीं क्या सीलन सी रहती है, इधर बहुत सर्दियों में बहुत ही कम सूखता है फर्श, जब भी पोछा लगा दे काफ़ी देर तक ऐसे ही रहता है। और मैं नहा के आ चुकी हूँ और मैंने रख दिया है चाय बनने के लिए सब लोगों के लिए, तो सब लोग चाय पीते हैं इस टाइम। और मैंने आज अपना सर भी धोया था तो अभी तक मैंने इसको नहीं खोला है, बाल मेरे गीले हैं तो मैंने अभी टॉवल में ही इनको लपेट रखा है। फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माई चैनल। आज दिन है शुक्रवार और अभी अभी नहाई थी और अभी अभी बालों को कोम किया है, सर भी धोया था मैंने आज, चाय पी ली है। तो मैंने आज अपने हेयर वॉश किया है। तो फ्रेंड्स आप भी बैठ जाइए, धूप में बहुत कम कम सी निकल रही है आज धूप, देखिए हल्की हल्की सी निकली हुई है। और मैं अभी अभी नहाई हूँ, थोड़ा समय कब किया है। नीचे मेरी जेठानी कर रही है होजी को साफ, इसमें बहुत ज़्यादा काई हो जाती है, पूरा दिन पानी भरा रहता है तो काई होती रहती है। हम इसको दूसरे तीसरे दिन साफ़ करते रहते हैं तो वो ब्रश से इसको ही साफ़ कर रही है, काई को छुटा रही है। उनका हाथ नहीं जा पा रहा है पर कोशिश करने में पूरी लगी हुई है। इसमें पशुओं के लिए ही पानी भरते हैं हम, सन्नी करने के लिए, पानी पिलाने के लिए ताज़ा ताज़ा भर लेते हैं, ठंडा पानी तो पिया नहीं जाता। तो इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके भरते रहते हैं, जब भी ज़रूरत होती है ताज़े पानी की जब ताज़ा भर लेते हैं। सन्नी के लिए तो पहले का भरा हुआ भी काम आ जाता है और ये गोले हैं जो रोज़ हमारे घर आते हैं। और पशुओं के लिए यहाँ पर जिया लगा रही है मेहंदी पेंसिल से, ये इसकी दोस्त है, पड़ोस की ही लड़की है, ये इसके पास आ जाती है खेलने के लिए तो ये दोनों खेलती रहती हैं। जब इनकी छुट्टी होती है उस दिन भी खेलती हैं और स्कूल से आने के बाद भी खेलती हैं। तो इसको मेहंदी लगा रही थी तो मैंने सोचा इसकी वीडियो बना लूँ। अभी से मेहंदी लगाने का शौक लगा है इसको, ऐसे ही करके सीख लेगी। और अभी अंगीठी में आग जला रही है मम्मी, आज मुझे टाइम नहीं मिल पाया जी, किट्टू ने इसमें पन्नी डाल दी फिर मैंने इसको निकाल दिया। आप लोग बोलते भी हैं कि पन्नी से आग मत जलाया करो तो पोलोथीन हमने निकाल दी है, अभी मम्मी ऐसे ही जला रही है। वैसे मम्मी तूड़ी की लकड़ी लेकर आई थी, जो सरसों होती है उनमें से निकलती है लकड़ी, उनको लेकर आई थी, उनसे भी आग जल जाती है अच्छे से। तो एक बार तो जल गई थी और फिर बुझ गई, तो मम्मी इसको हवा कर रही है नीचे से, नीचे से हवा कर रही है तो जल्दी आग जल जाती है अच्छे से तेज। आज मम्मी लगी हुई है, मम्मी से बिल्कुल भी नहीं जलाई जा रही है, बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है सर्दियों में आग जलाने में, कुछ ईंधन भी सिल्ला सिल्ला सा हो जाता है इन दिनों, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है चूल्हे में आग जलानी, एक तरीके से एक चुनौती ही होती है। और गिल्ला ईंधन हो तब तो ज़्यादा मुश्किल होती है। अक्की को भी जुकाम हो गया है, बहुत ज़्यादा खांसी हो रही है इसको, पूरा दिन खांसते खांसते बुरा हाल है, इसको दवाई दिलानी पड़ेगी। और ये मेरी जेठानी अभी होजी साफ करके आई है नीचे तो चाय पी रही थी, अभी इन्होंने अपने लिए चाय बनाई है, एक बार तो पी ली थी अभी दूसरी बार पी रही हैं ये शाम के टाइम में। तो अभी दूध निकल के आता है तो सभी पी लेते हैं हम चाय इस टाइम, और सर्दी भी हो रही है मन भी करता है। जोर जमाइयो ना, जोर जमाइयो ना, कदी वो नहीं बाउल दाब दिया शक्कर तो रिता दी है, अभी ये रख रही हैं गुड़, फोड़ फोड़ के हम फोड़ के ही रखते हैं, इससे आसानी रहती है फिर लेने में, तो फोड़ फोड़ के ही रख लेते हैं हम एक डब्बे में। नया नया गुड़ बहुत ही स्वादिष्ट लगता है, जब ये पुराना हो जाता है तब नहीं लगता अच्छा, और मुझे तो नया नया ही अच्छा लगता है, जब तक ये नया नया आता है तो मैं खा लेती हूँ, और गर्म गर्म तो और भी ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है।
तो अभी इन्होंने रख दिया है, फोड़ फोड़ के शक्कर रख दी है बाल्टी में, ये हमारी बड़ी सी बाल्टी है इसमें रख लेते हैं हम शक्कर। तो फ्रेंड्स मुझे अभी खाना भी बनाना है, शाम का टाइम हो रहा है, मैं खाने में लगी हूँ, ये इसको रिताने में लगी है। हमारी मम्मी जी ऐसी ऐसी बातें करती हैं पूरा दिन हंसने वाली, चाय नहीं मम्मी हमारी है ही ऐसी, पूरा दिन हमको हंसाती रहती है, कुछ ऐसी बातें कह देती हैं कि हमारी हंसी छूट जाती है। और अभी मैं दाल छोंक लेती हूँ, मैंने टमाटर तो काट लिया है, अभी मैं इसमें हरी मिर्च काट रही हूँ। फ्राई पैन में मैंने घी डाल दिया है, घी में छोंक रही हूँ, मैंने बनाई है मूँग की दाल छिलके वाली, तो वो तो बन गई है, अभी छोंक लगाना बाकी रह गया है। और प्याज तो महंगी हो रही है, कोई बेचने भी नहीं आ रहा गांव में, डर के मारे कि गांव में कोई नहीं लेगा इतनी महंगी प्याज। तो अभी मैं इसको जीरे में छोंक लगा लेती हूँ, ये मैंने हींग ले लिया है और जीरा, हींग और जीरा डालने के बाद अभी इसमें सारे सूखे मसाले डाल दूँगी और फिर इसको टमाटर को इसमें फ्राई कर लूँगी। टमाटर को अच्छे से गलाने के बाद फिर मैं इसमें दाल फ्राई कर दूँगी, दाल मेरी बन चुकी है अच्छे से और मैंने आटा भी बना लिया है। फिर मुझे बनानी है रोटी गरम गरम, सब गरम गरम ही खाते हैं हमारे घर में, और सर्दी में तो गरम गरम ही अच्छी लगती है। वैसे तो सब लोग गरम गरम ही खाते हैं, पर कुछ लोग ठंडा खाना ही पसंद करते हैं। मेरी जो बड़े वाली नंद है वो चाय भी ठंडी पीती हैं, उनको ठंडी पीने की आदत है, हमसे तो गरम गरम ही पी जाती है, चाय भी ठंडी में तो बिल्कुल भी स्वाद नहीं आता। तो मैंने इसमें थोड़ा सा नमक डाल दिया टमाटर में, जिससे अच्छे से गल जाएँ, ये गल चुके हैं। तो मैं इसमें अभी दाल को फ्राई कर लेती हूँ। यहाँ पर दीदी मुझसे बातें कर रही हैं, हम हमेशा बातें करते रहते हैं, काम करते हैं, इससे काम का भी नहीं पता चलता, बातें करते चोकता। तो आज ये मेरा चोकता भी दिखा रही हैं, देखिए फ्रेंड्स मेरा थोपड़ा कितना गंदा है चोकता मेरा। हम इसको कितने तरीके से बोलते हैं, चोकता थोपड़ा और जी वगैरह 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 कुछ भी बोल देते हैं, अपनी भाषा का हम कम यूज करते हैं, फिर आप बोलोगे गवार है, हम गवारों के भी गवार हैं। लेकिन दाल मैंने छोंक ली है, तो बाहर मम्मी बैठी हुई है, उनके साथ बात कर रहे हैं, उनकी ननद के लड़के हैं जो वो बैठे हुए हैं, पड़ोस का एक लड़का और बैठा हुआ था वो भी मम्मी के पास में बैठा है। और मम्मी पूरा दिन बस बुनती रहती हैं, स्वेटर जर्सी जो भी कुछ हो, बच्चे खेल में लगे हैं। तो फ्रेंड्स जो लोग मुझे बोलते हैं हमारा नाम लीजिए, मुझे खुशी होती है कि चलिए आप लोग मुझसे कुछ तो कहते हैं। तो अभी भी मैं नाम लेती हूँ, उर्मिला जी मेरी रोज़ वीडियो देखती हैं, रोज़ मुझे कमेंट करती हैं, धन्यवाद उर्मिला जी। एक हैं सुशीला चौधरी, उनके बेटे का नाम है आशीष और उनके हस्बैंड का नाम है अमरदीप। तो थैंक यू सुशीला जी, आप रोज़ मुझे कमेंट करती हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मेरी वीडियो देखती हैं, कमेंट भी करती हैं। मुझे प्रेस भी करनी थी पर अब मेरा मूड नहीं है, मुझे मेरा मन नहीं कर रहा है प्रेस करने का बिल्कुल भी, और 3-4 दिनों से ऐसा हो रहा है कि मन बहुत ज़्यादा दुखी है, सभी का ही है, कुछ ऐसे हादसे होते रहते हैं जिनको सुनने के बाद बहुत ज़्यादा डर लगता है, मुझे तो बहुत ही डर लगता है, क्योंकि हमारी भी बेटी छोटी है और सभी की हैं बेटियाँ, हमारे घरों में बेटी हैं, बड़ी भी हैं छोटी भी हैं, और सुन सुन के बहुत ज़्यादा डर लगता है। और सभी माँ बाप यही सोचते हैं कि उनके बच्चे ठीक रहें, उन्हें कभी कुछ ना हो, चाहे हमें कुछ भी हो जाए पर हमारे बच्चे ठीक रहें, तो सभी माँ बाप यही सोचते हैं, माँ का दिल तो होता ही है ऐसा।
हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? तो मेरा सारा काम फिनिश हो गया, अभी कर लेती हूँ आप लोगों से बातें, वीडियो का भी एंड कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, आप लोग पूछते रहते हैं कि आप कहाँ तक पढ़ी लिखी हैं। तो मैं पढ़ी हूँ इंटर तक, उसके आगे फिर मैं नहीं पढ़ी। और फिर मेरी शादी हो गई, फिर बस घर गृहस्थी में मैं लग गई, तो फिर मैं उसके आगे नहीं पढ़ी कुछ। मैं इसलिए भी नहीं पढ़ी कि जो भी कुछ मुझे हासिल हो जाएगा इंटर पास करके ही हो जाएगा, और जो कुछ मेरी किस्मत में नहीं होगा तो चाहे मैं कितनी पढ़ लूँ तब भी नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, अभी तो बस ये डर लगा रहता है कि हमारा तो हो गया जैसे तैसे भी, आगे हमारे बच्चे हैं उनका कैसे होगा। और सबसे बड़ी बात, मुझे डर लगता रहता है अपनी बेटी की सुरक्षा के लिए। कुछ ना कुछ हादसे दुनिया में हो ही रहे हैं, और इतने हादसे हो रहे हैं कि एक एक को भूल नहीं पाते, दूसरा हो जाता है। तो यही सोचकर डर लगता है कि कल हमारी बेटियां भी बड़ी होंगी, उनकी सुरक्षा का क्या होगा, कैसे होगा। मुझे तो ये डर लगता रहता है कि हर वक्त हम अपने बच्चों के साथ भी नहीं रह सकते। सबसे ज़्यादा डर मुझे बस अपनी बेटी के बारे में सोच कर ही लगता है कि कैसे उसकी सुरक्षा होगी, कैसे वो पढ़े लिखेगी बड़ी होके। हर वक्त हम भी उनके साथ नहीं हो सकते, तो कोई तो ऐसा उपाय होना चाहिए जिससे हमारी बेटियां सेफ रह सकें। तो फ्रेंड्स, मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं हूँ, पर जितनी पढ़ी लिखी हूँ उतना भी काफ़ी है मेरे लिए। तो और आप ये पूछते हैं आपकी ननद कहाँ तक पढ़ी है। मेरी ननद बीए तक पढ़ी है, अभी नहीं पढ़ रही हैं, उनकी शादी के लिए सोच रहे हैं हम, लड़का भी देख रहे हैं। तो अब की बार हम उनकी शादी का सोच रहे हैं, अभी वो नहीं पढ़ती हैं, घर पर ही रहती हैं। तो और एक ये हादसा हो गया, इसको सुन सुन के मुझे इतना ज़्यादा दुख भी हो रहा है, और ये भी डर लग रहा है कि हादसा भूलते नहीं हैं, दूसरा हो जाता है। और ये इतना बुरा हादसा है कि इसको तो मैं बिल्कुल भी नहीं भूल पा रही हूँ, बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है मुझे। किसी इंसान को जिंदा जला देना सोच के भी बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो बस क्या करें, कुछ नहीं कह सकते। आम जनता का तो हर तरीके से ही मरना है, और लेडीजों के लिए तो बस घर में बैठे ही हो कुछ काम तो वही अच्छा है, बाहर बिल्कुल भी ठीक माहौल नहीं है। औरतों के लिए बाहर निकलना भी मुश्किल है। तो मैं भी यही सोचती थी कि मुझे कुछ घर पर बैठे बैठे ऐसा काम मिल जाए, बाहर भी ना जाना पड़े और हम कुछ कर भी सकें। तो इस वजह से मैंने ये काम शुरू किया था, पर पता नहीं ये चल पाएगा कि नहीं। मेरे पति की भी तबीयत ख़राब रहती है, उनको दर्द रहता है, पथरी बनती रहती हैं, और उनकी नौकरी भी बहुत ज़्यादा कठिन है। तो मैंने यही सोच कर ये काम शुरू किया था वीडियो बनाने का, उनकी थोड़ी बहुत हेल्प हो जाएगी और उनकी मैं कुछ हेल्प कर पाऊँ। तो इसी वजह से ये सब मैंने शुरू किया है। अगर आप लोग मेरी मदद करेंगे, मुझे सपोर्ट करेंगे, तो शायद मैं सफल हो पाऊँ और अपने बच्चों का भविष्य बना पाऊँ। और लेडीजों के लिए कुछ ऐसा काम होना ही चाहिए जिससे उन्हें बाहर ना जाना पड़े, बाहर जाना बिल्कुल ही घातक है, बाहर जाना बिल्कुल घातक है। सुन सुन के इतना ज़्यादा डरती हूँ मैं, बहुत ज़्यादा कुछ तो मुझे डर लगता ही है बहुत, और कुछ ये सुन सुन के ऐसी बातें, मुझे तो पता नहीं जो कुछ मैं बोलती हूँ उसके बारे में मुझे कमेंट आते ही रहते हैं, आप ऐसे करती हो, आप ऐसे करती हो। पर मैं आदत से मजबूर हूँ, मेरी आदत शायद नहीं बदलेगी। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो कर लेते हैं यहीं पर एंड। अगर आप लोग को ज़रा सी भी अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा मेरी वीडियो को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मुझे कमेंट भी करना, और नीचे दिए गए बेल आइकन को भी एक बार क्लिक कर देना जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे आप लोगों को।
तो फ्रेंड्स मिलती हूँ अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।